हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 91 है आज, और इसमें भी आपको मिलेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। मैं हमेशा बोलता हूँ, चैनल पर जो हमारी टेस्ट सीरीजें चल रही हैं, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज, और इसके साथ साथ हमारी कंप्यूटर वाली टेस्ट सीरीज, इनको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। इसका 100% बेनिफिट आपको अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी टेस्ट सीरीज UK SSC के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक है, बहुत ही यूनिक और यहाँ पर बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं, और इसका 100% लाभ आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपकी तैयारी का भी आकलन होता है, जो आप पढ़ रहे हैं परीक्षा वाणी, बिन सर, अजय रावत जी की बुक, जितनी भी उत्तराखंड संबंधी किताबें आप पढ़ते हैं, तो उसका पूरा यहाँ पर आपका अपना स्वयं का आकलन भी होता है कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही देखिए, परीक्षा वाणी के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, तो परीक्षा वाणी पर कंटेंट बन रहा है, बहुत लंबे लंबे चैप्टर हैं, तो हम डिक्टो चैप्टरों को कॉपी कर रहे हैं ताकि कोई भी पॉइंट ना छूट जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आप लोग वेट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, वर्तमान में हिमवंत नामक साप्ताहिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो हिमवंत जो हमारा साप्ताहिक पत्र है दोस्तों, ये पब्लिश कहाँ से होता है, किस प्लेस से निकलता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। देखिए, पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत बन रहे हैं आजकल एग्जामों में, आपने नोटिस किया होगा, कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, उसमें आपका एक ना एक पत्र पूछा गया होगा। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है पत्रकारिता का, इतिहास और पत्रकारिता, जो वर्तमान में जो पत्र आते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। हिमवंत पत्र की बात करें तो इसका प्रकाशन होता है देहरादून से, और ये साप्ताहिक पत्र है। ठीक है, इसके अलावा देहरादून से बहुत से पत्र निकलते हैं दोस्तों, जैसे कि वैली मेल, दून दर्पण, इसके अलावा मैं बात करूँ हिमांचल नामक पत्र भी हमारा देहरादून और मसूरी से प्रकाशित होता है, और एक पत्र और है हमारा जिसका नाम है नया जमाना, जो और महत्वपूर्ण है, नया जमाना भी देहरादून से प्रकाशित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दिए गए विकल्पों में बताना है आपने कौन सा प्लेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एवरेज रेन होती है, रेनफॉल होता है। तो राइट आंसर इसका नो डाउट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर है नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा निम्न में से किस क्षेत्र में होती है? तो ये भी देखिए, अगर आप थोड़ा यहाँ पे सोचने वाला क्वेश्चन है, देखिए आपने पढ़ा होगा, बहुत सी बार हम उपनाम वाला वीडियो देते हैं, उपनाम में आपने पढ़ा होगा द्वाराहाट को क्या उपनाम दिया गया है, अल्मोड़ा को क्या उपनाम दिया गया है, अन्य जितने भी प्लेसेज है उत्तराखंड के, वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे कम वर्षा वाला दिए गए विकल्पों के आधार पर बोलूँ तो द्वाराहाट होगा। ठीक है, द्वाराहाट बहुत ही शुष्क एरिया है, पानी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे किल्लत रहती है। अगर द्वाराहाट के तलहटी में गगास नदी नहीं होती तो बहुत मुश्किल था फिर द्वाराहाट के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर पानी का कोई भी वैकल्पिक सोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वाराहाट। अगला देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आयोग के किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है थोड़ा यहाँ पे जो डेटा आया था लास्ट 16वीं जो वन रिपोर्ट आई थी ना 2019 में, उसमें जो ऑफिशियल डेटा था उसके आधार पर सभी विकल्प इसमें गलत हैं। उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल में वन है अगर पूछा जाता है, तो उत्तराखंड के देखिए 2019 के रिपोर्ट अनुसार हम देखते हैं कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है उत्तराखंड में, टोटल देखा जाए तो 71.05%। ठीक है, 71.05% भाग पे उत्तराखंड के वन हैं, जो कि अगर हम देखते हैं स्क्वायर किलोमीटर में, तो राइट आंसर होता है अप्रॉक्स 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये वीडियो मैं पहले ही दे चुका था आपको, जब आपका वन रक्षक का पेपर था उससे पहले ये वीडियो दिया था, इसमें ऑफिशियल डेटा हमने पूरा साझा किया था, जो 16वीं वन रिपोर्ट आई थी 2019 में, हर दो दो साल में वन रिपोर्ट आती है। तो 38,000 किलोमीटर के हिसाब से जो अप्रॉक्स आंसर है इसका, वो 37,662 होना चाहिए था, लेकिन लास्ट एग्जाम में आयोग ने 34,662 वर्ग किमी माना था। ठीक है, लेकिन ये गलत था, राइट आंसर इसका प्रत्यावेदन हुआ इसमें, तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है उत्तराखंड में टोटल वन क्षेत्र। ठीक है, और बात करें देखिए 2019 या 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जनपद कौन सा है, तो उत्तरकाशी है, और सर्वाधिक वन क्षेत्र न्यूनीकरण वाला जनपद है नैनीताल। यानी कि 2017 से लेकर 2019 के बीच में सबसे ज़्यादा वनों का जो क्षेत्रफल बढ़ा, यानी कि जो नए वन बढ़े वो उत्तरकाशी में बढ़े, और वनों का जो क्षेत्रफल है वो घटा दो सालों के अंदर, कहाँ पे? नैनीताल में। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, सर्च करिएगा यूट्यूब में 2019 की वन रिपोर्ट बाय देवभूमि करियर पॉइंट, तो वीडियो आ जाएगी, देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है कि उत्तराखंड का चेरापूंजी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो चेरापूंजी आपको पता ही है, भारत में है, मेघालय में स्थित है चेरापूंजी,
और सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मासिनराम यहीं पे स्थित है वो। तो मेघालय की जो ये पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे चेरापूंजी, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप के आकार की होती है, तो जो है ना बादल जल्दी बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। वाष्पन की क्रिया होती है बहुत स्पीड से होती है, जो हम पढ़ते थे, हमने NCERT 6-7-8 में पढ़ा था बादल कैसे बनते हैं, तो वो प्रोसेस बहुत स्पीड से होती है। और सूर्य के द्वारा जो अधिकांश जल है उसका वाष्पन कम होता है, मतलब बादल जल्दी बनते हैं, वाष्पन कम होता है, तो बादल फिर बरसते हैं, तो इस वजह से मेघालय के इस एरिया में चेरापूंजी में बहुत वर्षा होती है, ये रीज़न है। और उत्तराखंड में भी चेरापूंजी से रिलेट किया जाता है सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान नरेंद्र नगर को, क्योंकि नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तराखंड में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम भारतीय राज्य जिसने पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है, तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला राज्य कौन सा है जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय की स्थापना की या गठन किया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री, इसको सबसे पहले स्थापित किया था उत्तराखंड ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही है, उत्तराखंड राज्य ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं हैली नेशनल पार्क से, तो आपको इससे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए हैली नेशनल पार्क के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1936 में स्थापित हुआ हैली नेशनल पार्क। और हैली नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला नेशनल पार्क था, ठीक है। अब एशिया का भी, भारत का तो था, एशिया का भी पहला था। और देखिए स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया 1947 के बाद, लेकिन 1957 में फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम जो हमारे प्रकृति प्रेमी थे जिम कार्बेट, इनकी स्मृति में कार्बेट राष्ट्रीय पार्क रखा गया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है कार्बेट की। कार्बेट की अगर मैं बात करूँ, इसका टोटल क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर, पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है, अधिकतम भाग इसका पौड़ी में फैला है, ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, UK SSS ऐसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन ला रहा है आज की डेट में, वो क्वेश्चन दे देगा कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है इसका अधिकांश विस्तार किस जनपद में, पौड़ी में है, नैनीताल में है, दोनों में बराबर है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल में ज़्यादा है, ठीक है। और कार्बेट का जो प्रवेश द्वार है उसको क्या कहा जाता है, तो कार्बेट के प्रवेश द्वार को ढिकाला कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसी पार्क के मध्य में एक क्वेश्चन बना था लास्ट किसी एग्जाम में, मुझे याद आ रहा है कि जो पाटली दून नामक स्थल है, पाटली दून, तो पाटली दून नामक भौगोलिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसी के बीच में हो, ठीक है, याद रखेंगे पाटली दून, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन था। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है टोटल, तो इसका जो राइट आंसर है, उत्तराखंड में टोटल राष्ट्रीय उद्यान है 6, ऑप्शन बी इसमें सही है, ठीक है। तो चलिए हम ईयर के हिसाब से चलते हैं, तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 जिसका नाम है हमारा कार्बेट नेशनल पार्क, इसके बाद बनता है 1980 में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरकाशी में है, इसके बाद हम बात करते हैं 1982 ये बनता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चमोली में है, इसके बाद बात करूँ मैं 1982 में ही हमारा बनता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चमोली में ही है, इसके बाद अगले वर्ष 1983 की बात करते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि देहरादून पौड़ी और हरिद्वार में विस्तृत है, और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 1989 गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि उत्तरकाशी में, और ये राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री। अगर क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, ओके। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वन्य जीव विहार की बात करें तो मुख्यतः वन्य जीव विहार हैं गोविंद वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार, सोना नदी वन्य जीव विहार, विंसर नदी वन्य जीव विहार, मसूरी वन्य जीव विहार, और फाइनल लास्ट जो हमारा सबसे नवीनतम है नंदौर वन्य जीव विहार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो किसने ये बुक लिखी है, मध्य हिमालय की जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विश्लेषण, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी DK नोटियाल, ओके। तो DK नोटियाल जी की पुस्तक है। अगला देखिए, निम्न में से किस धाम के निकट रुधिर कुंड है, तो रुधिर मतलब ब्लड, रक्त कुंड, रुधिर या रक्त कुंड किस धाम के निकट है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी केदारनाथ के निकट है, केदारनाथ जो है हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में। कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख कौन से, यहाँ पे जो रचनाएं दी हैं इनमें मिलता है, कौन सी रचना में मिलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो।
तो देखिए, कश्मीर का बहुत ही एक तेजस्वी शासक हुआ था ललितादित्य मुक्तापीठ, और इसने गढ़वाल विजय की थी। इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है रास तरंगिणी नामक पुस्तक में। ठीक है, रास तरंगिणी। अब मेरे को बताइए, रास तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप, इसके राइटर बताइए। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लाखू उडयार कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है लाखू उडयार, ग्वार क्या उडयार। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, लाखू उडयार से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। या तो लाखू उडयार की लोकेशन पूछी जाती है, या लाखू उडयार की खोज किस वर्ष हुई पूछी जाती है, या खोजकर्ता पूछा जाता है, या शैल चित्रों से संबंधित क्वेश्चन आता है, और फाइनली एक क्वेश्चन और आता है नदी वाला कि किस नदी के तट पर है। तो यहाँ पर लाखू उडयार का जो क्वेश्चन बना है, यहाँ पे नदी तट से ही बना है। तो लाखू उडयार, इसकी लोकेशन है बाड़ेछीना में। बाड़ेछीना एक छोटा सा कस्बा है जो कि अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है, उससे कुछ आगे ये पड़ता है लाखू उडयार, बिल्कुल रोड के नियर बाई है। इस पे वीडियो भी है, लाइव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिएगा अमेजिंग फैक्ट वाली प्लेलिस्ट में। तो लाखू उडयार बाड़ेछीना में स्थित है और ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हमें शैलचित्र प्राप्त होते हैं प्राचीन काल के, प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र मिलते हैं हमको यहाँ पे। अगला है ग्वारख्या उडयार, देखिए इसी से रिलेट करते हैं ग्वारख्या उडयार भी। सेम चीज़ें मिलती हैं ग्वारख्या उडयार और लाखू उडयार में लगभग लगभग। ग्वारख्या उडयार की लोकेशन है चमोली में, ये भी हमारा प्रागैतिहासिक जो काल है उससे संबंधित यहाँ पे चीज़ें प्राप्त होते हैं ग्वारख्या उडयार से। निम्न में से किस प्लेस से यज्ञ कुंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर कौन सा प्लेस है जहाँ से हमको प्राचीन में जो यज्ञ कुंड होंगे ना उनके अवशेष प्राप्त होते हैं। अवशेष का मतलब होता है जो उनसे रिलेटेड मतलब चीज़ें हैं, यज्ञ का जो क्षत विक्षत चीज़ें अभी भी प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे कहीं पे खुदाई में हमको प्राप्त होते हैं जो चीज़ें, उनको अवशेष कहा जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से दबे रहने के कारण उनका विघटन होना शुरू हो जाता है। तो एक एग्जैक्ट रूप में नहीं मिल पाती चीज़ें जैसी वो उस समय थी। ठीक है, तो क्षरण होके मिलती है वो। तो यज्ञ कुंडों के अवशेष प्राप्त जहाँ से हुए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में, तो वो प्लेस है बाढ़ वाला, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर। ठीक है, बाढ़ वाला। अगला देखिए, भाड़े शब्द का उत्तराखंड में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भाड़े भंडारी माधव सिंह आपने सुना होगा, तो भाड़े का मतलब होता है वीर साहसी। ठीक है, वीर साहसी बहादुर, कोई भी ऑप्शन में आए तो आप पिक कर लीजिएगा, तीनों एक ही हैं, सिमिलर पर्यायवाची हैं। तो वीर के लिए यहाँ पे यूज होता है हमारा भाड़े। गोविषाण नाम किस प्रसिद्ध स्थल का है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। देखिए मैं आजकल टेस्ट सीरीज जो ला रहा हूँ ना आपके लिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही ऐड कर लिए जो पहले की पूर्व की टेस्ट सीरीज आई हैं। अब ये नहीं होगा कि हर बार UK SSS बहुत कठिन क्वेश्चन को ही पूछे। क्वेश्चन पेपर पूरा बैलेंस होता है, उसमें मॉडरेट क्वेश्चन भी होता है, ईजी क्वेश्चन भी होता है और हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चनों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, हार्ड क्वेश्चन कुछ ही होते हैं, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो मॉडरेट ईजी क्वेश्चन है उनकी संख्या ही ज़्यादा होती है। तो कहीं कठिन प्रश्नों के चक्कर हम सरल गलत ना कर लें, इसलिए आजकल थोड़ा पैटर्न मैंने चेंज किया है। तो गोविशांग जो नाम है वो काशीपुर का है। ठीक है, ऑप्शन ए। मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य में अशोक का शिलालेख मिलता है हमको कालसी नामक प्लेस से, देहरादून से, और ये प्राकृत भाषा में। ठीक है, पाली भाषा बहुत वीडियो में बताया गया होगा, लेकिन जो वहाँ पे ऑफिशियल बोर्ड लगा हुआ है पुरातत्व विभाग का, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि अशोक का जो ये शिलालेख है इसमें जो भाषा प्रयोग हुई है वो प्राकृत भाषा है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार हरिद्वार से भृंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो भृंगतुंग किस प्लेस के लिए प्रयुक्त किया गया, ये आप कमेंट करेंगे। राज्य में किस प्लेस के लिए ये भृंगतुंग शब्द प्रयोग किया गया है, और गंगा द्वार हरिद्वार से भृंगतुंग तक की यात्रा का टोटल जो वर्णन मिलता है दोस्तों वो मिलता है महाभारत के वन पर्व में, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, वन पर्व में। निम्न में से उत्तराखंड में पाषाण उपकरणों के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण उपकरणों की जब भी हम बात करते हैं ना, पाषाण जो हमारी सभ्यता थी पाषाणकालीन, उससे संबंधित उपकरण यानी कि जो हथियार उसमें मानव यूज करता था, शैल चित्र हो गए, मृद भांड हो गए, कप मार्क्स हो गए, ये सभी हमारे पाषाण उपकरणों में आता है, और ये हमें प्राप्त होता है कालसी से भी प्राप्त होते हैं, अलकनंदा की घाटी से भी प्राप्त होते हैं, पश्चिमी रामगंगा की घाटी से भी प्राप्त होते हैं, लाखों उडियार से मिलते हैं शैल चित्र के रूप में, ग्वारख्या उडियार से मिलते हैं, तो बहुत सी जगह से हमें ये पाषाण उपकरण मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन डी, उपलब्ध सभी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी कल का ही करंट अफेयर है ये। उत्तराखंड में फिर से एक नए मुख्यमंत्री का आगाज हुआ है, राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है खटीमा से निवर्तमान विधायक पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है,
आप सभी को पता है 2017 में जब प्रचंड रूप से भाजपा सरकार आई थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर सडनली उनने रिज़ाइन दिया और इसके बाद तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया और उसका रीज़न ये था क्योंकि अगले साल राज्य में चुनाव है और जो हमारा चुनाव आयोग बोलता है कि अगर किसी राज्य में 1 साल के भीतर चुनाव होने हैं तो फिर उपचुनाव कराना संभव नहीं होता। ठीक है, तो ये बोला जाता है, इसीलिए अगर उपचुनाव नहीं होते, अगर सीटी एमएलए सीट नहीं निकालते हमारे तीरथ सिंह रावत, तो संवैधानिक रूप से भी अपने पद पर नहीं रह पाते क्योंकि तीरथ सिंह रावत सांसद पद पर हैं, है ना, सांसद थे वो, तो चुनाव लड़ना ज़रूरी होता है किसी भी जो हमारे विधायक दल का नेता होता है उसको एक सीट से। तो ये रीज़न था, अब बन गए हमारे जो युवा मुख्यमंत्री बने, ये भी ध्यान रखेंगे उत्तराखंड राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, महज 45 साल की उम्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं ये। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 91। आशा करता हूँ आप सभी ने 20/20 स्कोर किया होगा, मेरे को लगता है, क्योंकि आज के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही थे, एक का दुक्का क्वेश्चन ही इसमें थोड़ा अलग अलग टाइप के थे, बाकी सभी नॉर्मल क्वेश्चन थे। और टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो कीजिएगा, बाकी देखिए चैनल पे जितनी भी कंटेंट हम देते हैं प्रोवाइड करवाते हैं उनका लाभ उठाइए क्योंकि निःशुल्क सभी चीज़ें दी जा रही हैं। बहुत प्रयास मैं कर रहा हूँ, अभी देखिए आगे क्या होता है, काफ़ी अभी समय की बात देता है, कुछ अपने को सर्वाइव करने के लिए भी काम करना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा एंगेजमेंट है। जल्दी ही मैं चाहता हूँ फ्लो बनना चाहिए अब आपके साथ जो पहले था, और उसको मैं ज़रूर क्रिएट भी करूँगा क्योंकि इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों की चिंता है, मुझे फिक्र है, और इतना प्रेम देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।